आज की वीडियो उत्तर प्रदेश के समस्त स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित और भी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित जो भी लेटेस्ट न्यूज़ हो वो आपको समय पर मिलती रहे। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, परीक्षा में नहीं बैठने वालों से वसूली जाएगी छात्रवृत्ति। जी हाँ दोस्तों, जो स्टूडेंट्स भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिए और उनको वहाँ पर छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप प्राप्त हो गई है प्रीवियस क्लास में, तो उन पर यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे, परीक्षा में नहीं बैठने वाले छात्रों से छात्रवृत्ति वसूलने की कवायद जल्द शुरू की जाएगी। इस न्यूज़ को आप आज दिनांक 1 जुलाई 2020 को मेरठ डिस्ट्रिक्ट के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आसानी से रीड कर सकते हैं। इसके लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पत्र जारी कर शिक्षा संस्थानों से अनुपस्थित छात्रों की सूची मांगेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट्स की यहाँ पर लिस्ट मांगी जाएगी जो परीक्षाओं में नहीं बैठे हैं और उनको यहाँ पर छात्रवृत्ति प्रोवाइड हो गई है, तो उनको वो छात्रवृत्ति वापस देना पड़ सकती है। इसमें वो बच्चे शामिल होंगे जिन्हें सरकार की ओर से छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति वितरित किया गया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी महेश कंडवाल ने बताया कि जल्द ही कॉलेजों को पत्र जारी कर अनुपस्थित छात्रों की सूची मांगी जाएगी। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में आगे आपको अभी जानने के लिए मिलने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। समाज कल्याण और पिछड़ा वर्ग विभाग के माध्यम से हर साल करोड़ों रुपए की राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाती है। पूर्व में ऐसे कई मामले सामने आए जिनमें फर्जी छात्रों के प्रवेश दिखाकर संस्थानों ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली और इसके बाद उनके प्रवेश रद्द दिखा दिए गए। इस वजह से ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जा रही है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस के द्वारा यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स के प्रवेश दिखाए जाते हैं जिन्होंने रियल में एडमिशन ही नहीं लिए होते हैं, और बाद में उन स्टूडेंट्स की जो छात्रवृत्ति है वो कॉलेज वाले यहाँ पर ले लेते हैं और बाद में उनके एडमिशन को कैंसिल दिखा देते हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट की तरफ से ये सब किया जा रहा है। कई मामलों में छात्र प्रवेश लेने के बाद कॉलेज छोड़कर किसी और कोर्स में प्रवेश ले लेते हैं, वहीं कई छात्र छात्रवृत्ति मिलने के बाद परीक्षा में ही नहीं बैठते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स पर यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है जो स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम नहीं दें और उनको स्कॉलरशिप प्राप्त हो गई। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।